हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे। भारत और बिहार की जनगणना के इतिहास के साथ साथ जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के बारे में जितने भी तथ्य हैं वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं भारत और बिहार की जनगणना में जो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व से जुड़े फैक्ट्स हैं उनको। तो सबसे पहले जनगणना की इतिहास जानते हैं। तो 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वॉयसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। भारत में नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। उसके बाद यह हर वर्ष 10 वर्ष के बाद कराई जाती है। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएँ 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी तथा आगामी जनगणना 2021 में कराई जाएगी। अब जनगणना के इतिहास के बाद जनगणना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में आता है, यानी कि स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट में जो जनगणना है वो आता है, यानी कि पूरा अधिकार इस पर केंद्र सरकार का होता है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत ने पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से जनगणना करवाई गई। भारत के पहले जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश के अनुसार होता है। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही और यह वर्ष महाविभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी और इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष या माइक्रो डिवाइड ईयर कहा जाता है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी, इसमें 14 सवाल शामिल थे। वर्ष 2001 की जनगणना भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। वर्ष 2011 में कराई गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 में कुल 29 सवाल शामिल थे। वर्ष 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो सी चंद्रमौली थे। जनगणना 2011 का प्रथम चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक चला तथा द्वितीय चरण की अवधि 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक थी। इस कार्य में 27 लाख कर्मचारियों को लगाया गया था। उनके द्वारा देश के 640 जिले, 7938 शहरों व 41 लाख गांवों में जनगणना का कार्य किया गया। भारत में विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है, जबकि भारत विश्व का केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान की कुल संख्या के बराबर है। नागालैंड एक ऐसा मात्र राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। भारत 2050 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ये थी जनगणना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब जानते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनगणना 2011 के हिसाब से। तो भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की आबादी के तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। पिछली जनगणना में ये आंकड़ा 16.8% था। अब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,05,69,573 व्यक्ति, ये भारत की टोटल जनसंख्या है 2011 के जनसंख्या के अनुसार। इसे आप राउंड फिगर में 121 करोड़ भी बोल सकते हैं। कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या में पुरुषों की जो जनसंख्या थी वो थी 62,31,21,843। महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी भारत में, तो 58,74,47,730 थी। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, तो भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या थी 83,34,63,448। अगर परसेंटेज में कहें तो 68.8% जो जनसंख्या है वो भारत में ग्रामीण जनसंख्या है या गांवों में निवास करती है। भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है, तो भारत की कुल शहरी जनसंख्या है 37,71,06,125। परसेंटेज में देखें तो 31.2% जो जनसंख्या है वो भारत में शहरी जनसंख्या या शहरों में निवास करती है। 2001 से 2011 में भारत में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, तो 18,19,59,458 जो व्यक्ति है वो 2001 से 2011 में, ये 10 वर्ष में इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई इतने लोगों की। परसेंटेज में देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7% भारत का।
ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2011 में कितनी थी? तो 9,09,73,022 ये ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि परसेंटेज में 12.3%। शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, तो शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी 9,09,86,438 परसेंटेज में 31.8% जो है वो शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। भारत की कुल जनसंख्या अब राउंड फिगर में आप 121.5 करोड़ कह सकते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत यह है 17.5%। दशकीय जन्म वृद्धि दर भारत में कितना है? तो 18.14 करोड़, जिसे परसेंटेज में 17.7% बोल सकते हैं। भारत में पुरुषों की जनसंख्या तो 51.47 करोड़ है, महिलाओं की जनसंख्या 48.53 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार है, जहाँ की 10.40 करोड़ जनसंख्या है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और पाँचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो भारत का है वो है सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भारत का है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। ठाणे जिला ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यह दिवांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब भारत का जनसंख्या घनत्व, तो भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो एक स्क्वायर किलोमीटर में भारत में 382 व्यक्ति रहते हैं और इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य, तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति और तीसरे नंबर पर केरल 860 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य, तो न्यूनतम घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, तो भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है वो है उत्तर पूर्व दिल्ली, जहाँ की 36,155 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। न्यूनतम घनत्व वाला जिला भारत का है दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, जो है जहाँ की 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब आते हैं बिहार के जनगणना से जुड़े तथ्यों के बारे में। तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। कुल पुरुषों की संख्या, तो कुल पुरुषों की जो संख्या है वो है 54,27,08,157। कुल महिलाओं की जनसंख्या बिहार में है 49,82,12,1,295। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना है? तो 52.14%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का जो हिस्सा है बिहार में वो है 47.86%। देश की जनसंख्या का कुल भाग, तो देश की जनसंख्या का 8.6% जो जनसंख्या है वो बिहार में निवास करते हैं। जनसंख्या क्रम में भारत में स्थान, तो जनसंख्या क्रम में भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का है पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार का है शेखपुरा। ग्रामीण जनसंख्या बिहार की है 7,43,16,709। शहरी जनसंख्या है बिहार का 46,81,800। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में है 88.7%, यानी कि 88.7% जो जनसंख्या है बिहार में वो गांवों में निवास करती है या ग्रामीण जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि शहरी जनसंख्या कितनी है, शहर में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं बिहार में, तो 11.29%। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे, और यह भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है शिवहर, जहाँ की 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर, जहाँ की 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दशकीय वृद्धि दर, तो अब 2001 से 2011 के दौरान राज्य में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 25.42% थी। दशकीय वृद्धि दर में देश में स्थान, तो दशकीय वृद्धि दर में बिहार का देश में छठा स्थान है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बिहार में है मधेपुरा, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बिहार में है गोपालगंज। तो ये था बिहार और भारत के जनगणना
से जनगणना के इतिहास, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।